इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई? क्या जैसा वीडियो में दिख रहा है क्या वैसे ही पुलिस भगवा दारी की पिटाई कर रही है? दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पुलिस कांवड़ियों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, बर्बरता कर रही है और दावा ये भी कर रही है कि ये सब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता दीदी के कहने पर हो रहा है। यानी वीडियो के जरिए पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों कर रही है पुलिस लाठी चार्ज? क्या वाकई में इसके पीछे सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता है? क्या ये वीडियो सच्चा है? आइए जानते हैं इस वीडियो की सच्चाई। दरअसल ये वीडियो 16 अगस्त साल 2021 का बताया जा रहा है, जब कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद बंगाल के लगभग सभी मंदिरों को खोल दिया गया था, लेकिन कोलकाता का भूतनाथ मंदिर तब भी श्रद्धालुओं के लिए बंद था। हालांकि सावन के महीने में मंदिर के बाहर से ही पूजा करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें भगा दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी और नीली शर्ट पहने दो शख्स कुछ भगवा कपड़े पहने युवकों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल बीजेपी नेता रितेश तिवारी ने 16 अगस्त 2021 की शाम 5:30 बजे एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घटना चौंकाने वाली है। अब ये तो साफ है कि सोशल मीडिया पर पुराना वीडियो शेयर कर गलत दावा किया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया था। मंदिर के सामने पुलिस ने भक्तों की बेरहमी से पिटाई, ये देखना बेहद खतरनाक है। क्या ये भोले भाले भक्त वाकई में इसी के लायक हैं? इस वीडियो में ममता बनर्जी की सरकार में तालिबान शासन का एक और रूप देखने को मिल रहा है। मगर जब वीडियो की पड़ताल की गई तो ये साफ हो गया कि वीडियो फर्जी तरीके से शेयर किया जा रहा है, यानी सच्चाई अधूरी है।